छिंदवाड़ा विकास मॉडल के जिला हॉस्पिटल की तस्वीरें अपनी हकीकत बयां कर रही है। जिला हॉस्पिटल में एक बार फिर बुधवार की रात अचानक लाइट 3 से 4 घंटे के लिए गुल हो गई, जिसके चलते मरीजों और परिजनों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। मोबाइल की लाइट में स्टाफ नर्सों ने मरीजों का इलाज किया, साथ ही लाखों रुपए के जनरेटर शोभा की सुपारी बनी रखे हैं। कई घंटों तक लाइट नहीं आने से मरीज और परिजन सकते में आ गए हैं। जिला अस्पताल के वार्डों में लाइट बंद रही, वहीं अस्पताल के शौचालय में कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की गई है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। शौचालय में बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है। पहले 2 टाइम दिन में पोछा लगता था, आजकल वो भी नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा गंदगी है, आप मानेंगे नहीं, यहाँ की औरतें जा नहीं पा रही हैं, पर मजबूरी है कि अब हम बार बार कहाँ जाएं। ये चीज़ों से हम बहुत परेशान हैं। लाइट गोल है और कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कब आएगी कब नहीं। पूरे पेशेंट परेशान है, पूरे पेशेंट बाहर है, जो सीरियस हैं वो भी बाहर सो रहे हैं। यहाँ पे एक ही नल है तो वो भी व्यवस्था फुल नहीं है, बिल्कुल पानी भरा हुआ है वहाँ पे और नल गायब है। बीपी शुगर हमारे घबराहट हो रहे हैं, ऐसे गर्मी में मर जाएंगे, बिजली नहीं दे रहे। अभी तो दो घंटे की बात हो गई बिजली जाने को, अभी तक बिजली नहीं आई है। वैसा इंसान मर रहा है और मार रहा है उन लोग भी बिजली नहीं देने से। गंदा सड़ा है, लेटरिन बाथरूम वहाँ घुस नहीं सकते, कोई जा नहीं सकते, वहाँ सफाई नहीं हो रही। कुछ बाथरूम में इतना सड़ा हुआ है, कोई जा दूसरा इंसान वैसा ही मर जाते बराबर। ये कोई सुविधा है क्या? कुछ कुछ जगहों पर विद्युत सप्लाई बाधित होने की घटनाएं सुनने में आ रही है। ऐसा ही वाकया कल हमारे यहाँ अस्पताल में हुआ, तो इसकी सूचना जैसी हमें मिली तो हमने अपने इलेक्ट्रीशियन को चेक करने के लिए भेजा। उसने फॉल्ट ढूंढने में जितना समय लगा उतने समय तक विद्युत व्यवस्था थोड़ी बाधित रही, परंतु फॉल्ट मिलते से ही सप्लाई वापस आ गई थी। और वैसे हमारे यहाँ जनरेटर्स की भी व्यवस्था है, परंतु इलेक्ट्रीशियन कम होने की वजह से ये स्थिति बनी होगी, परंतु फॉल्ट हमने तुरंत ठीक करवा लिया था। सर जनरेटर हैं तो ये बंद पड़े हैं, जनरेटर के चालू हैं, इनकी व्यवस्था तो तत्काल अस्पताल में सप्लाई चालू हो जाती है जनरेटर से। जनरेटर जहाँ पर इमरजेंसी की सुविधा हमें देना है उस जगह पर हम लोग तुरंत चालू कर देते हैं। मैनुअल रहता है इसलिए उसको जाके चालू करना पड़ता है, कुछ ऑटोमेटिक भी है तो वो अपने आप शुरू हो जाती है। ये स्टाफ कम होने की वजह से संभावना हो सकती है कि वो समय पे उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेटरिन बाथरूम की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बता रही पब्लिक। दूसरी चीज़ वहाँ पानी भी नहीं है पीने के लिए हॉस्पिटल में। पानी की व्यवस्था तो हमने करके रखी है, परंतु गर्मी में थोड़ी बहुत परेशानी तो पानी को लेके जाएगी ही, परंतु फिर भी यथासंभव हम जितना उत्तम व्यवस्था कर सकते हैं उतना हम लोग कर रहे हैं। वैसे हम लोग साफ सफाई का पूरा प्रयास करते हैं, परंतु फिर भी मेरा जनता से अनुरोध है कि थोड़ी सी उसको उपयोग करने के मामले में जागरूकता बनाए रखें और साफ सुथरा रखने में हमें। छिंदवाड़ा से BCN न्यूज़ के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।